जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। दोस्तों टाटा आईपीएल 2022 में रियान पराग जो कि राजस्थान रॉयल्स के हिस्सा है, तो दोस्तों अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रियान पराग को लेकर बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। यह दोस्तों क्या है वो खबर, इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें रियान पराग की, तो दोस्तों बता दें कि टाटा आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस वर्ष के सभी मुकाबले खेले हैं रियान पराग। यह दोस्तों बता दें कि 15 मुकाबलों में रियान पराग ने मात्र एक ही अर्धशतक लगा पाए हैं। इसके अलावा मात्र एक विकेट मिला है इस वर्ष टाटा आईपीएल 2022 में, जो कि बेहद ही खराब प्रदर्शन है रियान पराग का टाटा आईपीएल 2022 में। तो दोस्तों बाद के पहला क्वालिफाइंग मुकाबला खेला गया गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। यह दोस्तों बता दें कि यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रियान पराग का ही हो रहा है। जी दोस्तों यह चर्चा है उनका व्यवहार को लेकर। जी दोस्तों अपने साथी खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार किए इस मुकाबले में रियान पराग ने। जी दोस्तों बता दें कि रविचंद्र अश्विन के साथ हो या फिर देवदत्त पड्डीकल के साथ बेहद ही गलत व्यवहार करते हुए नजर आए इस मुकाबले में रियान पराग। इस बात से राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट बेहद ही नाराज है रियान पराग से, और अगला मुकाबला जो कि राजस्थान रॉयल्स का दूसरा क्वालिफाइंग मुकाबला 27 को है, उस मुकाबले में रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। जी दोस्तों यह रियान पराग के लिए बेहद ही बड़ी झटका हो सकता है। तो दोस्तों यह खबर जुड़ा होता है रियान पराग से, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रियान पराग को टीम में शामिल करना चाहिए प्लेइंग 11 में या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।